हेलो एवरी वन दिस इज मेघा वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन दिस वीडियो आई विल भी डिस्कसिंग हिमाटोपोइसिस लास्ट वीडियोज में हमने इन और अडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ी है तो जो उसमें सेल्स बने हैं जो हमने सेल्स यूज़ किए हैं न्यूट्रोफिल्स हो गए या फिर लिम्फोसाइट्स हो गए तो वो उनका जो बनने का प्रोसेस है उनका डेवलपमेंट है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हिमाटोपोइसिस ओके सो इम्यून सिस्टम जो है उसमें सेल्स हैं ऑर्गन्स हैं क्योंकि हमें पता है जो सेल है वो टिश्यू बनाता है टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है देन सिस्टम बनता है तो इम्यून सिस्टम है तो उसमें कुछ ऑर्गन्स होंगे उनको हमने दो में डिवाइड किया है प्राइमरी इम्यून सिस्टम एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम प्राइमरी इम्यून सिस्टम में बोन मैरो और थाइमस की बात हम करते हैं देन सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में स्प्रिंग लिम्फ नोट एंड एन स्पेशलाइज साइट्स होती हैं गट में माल्ट होता है माल्ट और भी बहुत सारे हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे सो प्राइमरी इम्यून सिस्टम को प्राइमरी इसीलिए कहा है क्योंकि एक तो इसमें दो ऑर्गन्स बोन मैरोम थाइमस है देन प्राइमरी इसीलिए क्योंकि जितने भी इम्यून सेल्स हैं चाहे वो न्यूट्रोफिल हो इसोनोफिल हो बेसोफिल है लिम्फोसाइट्स है जो भी इम्यून सिस्टम में काम आ रहे हैं हमारे चाहे वो इन्नेट है चाहे अडेप्टिव है वो सब कहाँ बन रहे हैं इन में बन रहे हैं बोन मैरो और थाइमस में तो इसीलिए हमने इन्हें प्राइमरी इम्यून सिस्टम बोला है इन दोनों को ये दोनों मिलकर ये प्राइमरी इम्यून सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है इम्यून सेल्स का देन सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में ये सब ऑर्गन्स आते हैं स्प्लीन लिम्फ नोड मार्ट इसे सेकेंडरी इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और जो लिम्फोसाइट है उनका फाइनल एनकाउंटर हो रहा है मतलब दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर मिल रहे हैं एंटीजन एंड लिम्फोसाइट होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि अगर डेंड्रेटिक सेल है ये डेंड्रेटिक सेल है इसने कोई पैथोजन आया है इसने उस पैथोजन को खा लिया उसको डाइजेस्ट कर लिया पार्शली देन इसके ऊपर एम एच सी एमएचसी सेकेंड मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इस खाए हुए पैथोजन को इसकी एक पेप्टाइड लेकर के ये अपने ऊपर लगा लेता है अपने ऊपर ऐसे लगा के घूमता रहता है देन अभी ये ब्लड में ही है या ई सी एफ में है मतलब प्राइमरी इम्यून सिस्टम के बाहर सेकेंडरी के बाहर है सॉरी फिर ये क्या करेगा जैसे ये एंटीजन अपने ऊपर लगा लेगा ये जाएगा या तो स्प्लीन में जाएगा ये या फिर ये लिम्फ नोड के अंदर जाएगा किसी भी सेकेंडरी इम्यून सिस्टम के अंदर जाएगा और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो है स्प्लीन और लिम्फ नोड यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है यहाँ पर लिम्फोइड्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फोइड्स मतलब बी एंड टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जहां पे बी और टी आ जाते हैं वहां कौन स्टार्ट हो जाता है एडेप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है तो वो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है डेंटिक सेल जिसे हमने बोला है यहाँ पर वो स्प्लीन या लिम्फ नोड में जाएगा वहां पर जाकर के किसको ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा बी टी सेल को प्रेजेंट करेगा राइट right? तो ये जो एंटीजन है और लिम्फोइड का जो एक एनकाउंटर हो रहे हैं दोनों मिल रहे हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं स्प्लीन में या लिम्फ नोड में मिल रहे हैं मतलब सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में मिल रहे हैं तो इस बेसिस पे से प्राइमरी इम्यून सिस्टम और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में डिवाइड किया गया है इम्यून सिस्टम को टोटल देन यस हिमेटोपोइसिस होता है ब्लड सेल्स का बनना ब्लड सेल्स का जो डेवलपमेंट है उसे हिमेटोपोइसिस बोलते हैं ये स्टेम सेल से बनते हैं कि स्टेम सेल होता है कैन सी ब्लू कलर में हिमेटोपोटिक स्टेम सेल है अब स्टेम सेल की दो खास बातें होती हैं कि एक तो ये सेल्फ रिनोइंग होता है सेल्फ रिनोइंग मतलब कि ये रीजनरेट कर सकता है अपना नंबर डिवाइड होकर के अपने जैसे सेल्स बना सकता है देन uh, दूसरा कि ये किसी भी तरह का सेल बना सकता है आगे स्टेम सेल चाहे वो कोई भी तरह का सेल बना सकता है ये स्टेम सेल की खासियत होती है ये है हिमेटोपोटिक स्टेम सेल इसे हम कहते हैं एडल्ट स्टेम सेल एडल्ट स्टेम सेल हम इसको बोलते हैं दो तरह के स्टेम सेल होते हैं एक तो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक होता है एडल्ट स्टेम सेल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है जो कि किसी भी तरह का सेल बना लेगा पूरी बॉडी में वो माइ ब्रेन सेल भी बना सकता है वो लीवर का सेल भी बना सकता है वो नर्व सेल भी बना सकता है वो ब्लड सेल भी बना सकता है कोई भी पूरी बॉडी में वो किसी भी तरह का किसी भी टिश्यू में सेल बना लेगा लेकिन जब एडल्ट स्टेम सेल बोलने लगता है इसका मतलब होता है कि वो स्टेम सेल एक पर्टिकुलर टिश्यू के लिए ना स्पेसिफिक हो गया है कि वो इसी टिश्यू का सेल बनाएगा तो यहाँ पर जो इमेटोबोटिक स्टेम सेल है वो कमिटमेंट दे चुका है कि वो सिर्फ ब्लड सेल बनाएगा इसीलिए एडल्ट स्टेम सेल है वो आगे किसी भी तरह का सेल बनाएगा ब्लड सेल ही मतलब एक बार मैं आपको ब्लड सेल का ओवरव्यू दे, दे, देती हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत कंफ्यूजन होता है कि ब्लड सेल्स क्या है, कितने हैं कितने तरह के हैं सो ब्लड में एक तो लिक्विड वाला पार्ट होता है एक होता है सेल्स वाला पार्ट हम सेल वाला पार्ट देता हैं उसमें क्या क्या आता है उसमें एक तो आता है हमारे पास आरबीसी डब्ल्यू बी और प्लेटलेट्स इनके साइंटिफिक जरूर याद रखना क्योंकि अब स्कूल तो नहीं है जो आरबीसी पे टिके रहेंगे तो एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स डब्ल्यू बी सी या ल्यूकोसाइट्स जो हैं इन्हें आगे दो में डिवाइड किया गया है ग्रेनुलोसाइड्स एंड ए ग्रेनुलोसाइड्स साइड मतलब सेल ग्रेनुलो मतलब जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है वो सेल जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है इनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं और इनको हम पी एम एन भी बोलते हैं पीएमएन का मतलब है पोली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पोली मोर्फो न्यूक्लियर राइट सो एंड एक है ए ग्रेनुलोसाइट्स वो सेल्स जिनमें ए मतलब एबसेंट है ग्रेन्यूल्स तो ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स में तीन सेल आ जाते हैं न्यूट्रोफिल एसिनो एंड बेसोफिल एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाता है लिम्फोसाइड्स एंड मोनोसाइट्स राइट सो ट्राई टू रिमेंबर दिस चार्ट ना सब क्लियर हो जाएगा तो अब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं इन सब का कि ये सब कैसे डेवलप हो रहे हैं यस yes. तो जो स्टेम सेल था हिमेटोबोटिक स्टेम सेल ये या तो माइलोड प्रोजेनाइटर लीनेज में एंटर कर सकता है या फिर लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में इन दोनों में से एक में ये वो कर सकता है कमिटमेंट दे सकता है कमिट कर सकता है कि माइलोड प्रोजेनाइटर में चला जाऊंगा जो ये माइलोड प्रोजेनाइटर है इसको हम कॉमन माइलोड एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर भी बोलते हैं इसमें ई e भी आता है बीच में माइलोड फॉर एम फॉर माइलोइड एंड ई फॉर आरबीसी भी बनता है इसी माइलोइ प्रोजेनाइटर से सो माइलोइ प्रोजेनाइटर या फिर कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर में दोनों में से किसी भी प्रोजेनाइटर में कन्वर्ट हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन दी एनवायरमेंट एंड नीड कि बॉडी में किस सेल की जरूरत है अभी बी या टी की है या फिर इनट इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह इनकी जरूरत है एंड ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है जीन्स पर डिपेंड करता है उनके ऊपर जेनेटिक so, ओवरऑल पूरा कंट्रोल होता है ऐसे नहीं कि सेल स्टेम सेल का मन के अकॉर्डिंग चलेगा कि कहाँ कन्वर्ट होना है मन नहीं है इट इज कंट्रोल कि कहाँ कन्वर्ट होना है और क्या नीड है राइट सो दिस माइलोट प्रोजेनाइटर जो होता है ये माइलोट प्रोजेनाइटर जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी वाले सारे सेल्स बनाता है इसमें uh, हम देख सकते हैं कि क्या क्या बना सकता है माइलोट प्रोजेनाइटर एक बार ही उसने बना लिया तो ये तो श्योर है कि अब वो इन्नेट इम्यूनिटी वाला कोई सेल बनाएगा अब कौन सा बनाएगा ये भी डिपेंड करता है अगेन नीड के ऊपर डिपेंड करता है तो या तो वो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर में कन्वर्ट हो सकता है या फिर ईओसिनोफिल प्रोजेनाइटर में डेवलप हो सकता है बेसोफिल में हो सकता है मेगा कैरियो टाइप में हो सकता है या एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर में हो सकता है अगर वो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर में होता है तो ग्रेनुलोसाइट के लिए वो यहाँ पे न्यूट्रोफिल बनाएगा या तो न्यूट्रोफिल बनाएगा या फिर वो मोनोसाइट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा

देन जो मोनोसाइट है वो हम कह सकते हैं कि मोनोसाइट अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है वो ब्लड में घूमती रहती है लेकिन जब मोनोसाइट किसी टिश्यू में एंटर कर जाएगी राइट अगर वो लीवर में एंटर कर जाएगी तो वहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और उसका नाम बदल जाएगा उसको मैक्रोफेज बोलने लग जाएंगे कफ़र सेल्स बोलने लग जाएंगे कफ़र मैक्रोफेजिस बोलने लग जाएंगे राइट right? तो मोनोसाइट्स है जब वो टिश्यू में एंटर हो जाएगी तो उसका एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा और तब हम इसको मैक्रोफेज बोलने लगते हैं तो हम कह सकते हैं जो मैक्रोफेज है वो मोनोसाइट से ही बनी है देन मोनोसाइट जो है वो डेंड्रेटिक सेल भी बना सकती है डेंड्रेटिक सेल और ये मोनोसाइट जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं एंड खास बात यह है कि डेंड्रेटिक सेल जो है वो इस लिंगेज में भी, भी बन रही है माइलोइ प्रोजेनाइटर में भी बन रही है और लिंफॉइड प्रोजेनाइटर वाले में भी बन रही है दोनों में बन रही है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है एंड डेंड्रेटिक सेल दोनों में बन रही है राइट एंड यस जो ये ब्लू कलर का बीच वाला पोर्शन है जिसमें हम देख रहे हैं सारा सेल का जो इतना फॉर्मेशन हो, हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है बोन मैरो में हो रहा है जो कि क्या है प्राइमरी लिम्फोइड है जो कि हमें पता है जहां पर सेल की डेवलपमेंट होती है जितने भी ब्लड सेल्स हैं बोन मैरो एंड ये जो एक छोटा सा डब्बा है ये है थाइमस तो बोन मैरो थाइमस में सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं मेजर मेजोरिटी जो है वो बोन मैरो में ही बन रहे हैं थाइमस जो है वहां पर सिर्फ टी सेल बन रहा है टी सेल जो है एक आ, टी सेल का जो टी है वो थाइमस से ही आता है क्योंकि इसका मैचुरेशन जो है वो थाइमस में होता है और बी सेल का जो बी है वो बुरसा फेब्रिकस से आता है जो कि एक ऑर्गन है बर्ड्स में और मैमल्स में बोन मैरो है तो इसका डेवलपमेंट जो है बोन मैरो में होता है इसीलिए इसे बी सेल बोलते हैं हम समझ रहे हैं नेमिंग जरूर देखनी है कि और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर हम इसे क्यों बोल रहे हैं लिम्फॉइड जो कि लिम्फ की, की वजह से क्योंकि ये जो बी और टी है लिम्फ में प्रेजेंट होता है ब्लड से जो छन के निकल जाता है वो व्हाइट कलर का फ्रूट जो होता है लिम्फ राइट सो अब लिम्फोइड प्रोजेनाइटर देखें तो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से नेचुरल किलर सेल बन रहा है बी सेल बन रहा है डेंड्रेटिक सेल बन रहा है एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर अगर टी था में एंटर हो जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास टी सेल बन जाएंगे टी के दो टाइप होते हैं टी एच टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल दो तरह के सेल बन जाएंगे तो दिस इज ओवरव्यू कि हिमैटोपोसिस कैसे होता है एंड एंड आई बिलीव कि अगर आप ये पिक्चर याद रखेंगे तो आपको हिमैटो समझने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है ये पिक्चर क्यूबे से लिया है मैंने एंड इट इज़ लाइक वंडरफुल पिक्चर ओके सो ट्राई टू रिमेंबर दिस फिगर इन नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूंगी माइलेट प्रोजेन के बारे में सेल्स के बारे में आगे थैंक यू सो मच टेक